अयोध्या को एक नई सिटी बनाने की परिकल्पना को लेकर प्रमुख सचिव आवास दीपक कुमार अपनी टीम के साथ अयोध्या पहुंचे। मुख्यमंत्री की परिकल्पना को साकार करने के लिए तीन गांवों की 1200 एकड़ जमीन अधिग्रहण करने की तैयारी है। अयोध्या पहुंचे प्रमुख सचिव आवास दीपक कुमार ने बताया कि मुख्यमंत्री के विजन डॉक्यूमेंट पर काम चल रहा है। विभिन्न विभागों द्वारा अलग अलग कार्य किया जा रहा है। अयोध्या में आध्यात्मिक पर्यटन बढ़ाने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर पर जोर दिया जा रहा है। इसके लिए प्रोजेक्ट तैयार किया जा रहा है। इसमें L&T और कुकरेजा आर्किटेक्ट सहयोग कर रहा है। 27 परियोजनाओं की एक लिस्ट भी एसोसिएट दे चुकी है। इसमें सड़क, रिवर फ्रंट, घाटों के जीर्णोद्वार, बस स्टैंड, पार्किंग सुविधाएं व अयोध्या की एंट्री पॉइंट पर गेट बनाने का भी काम होगा। एक नई सिटी की परिकल्पना बन रही है। अयोध्या के विकास से गोंडा और बस्ती को कैसे जोड़ा जा सकता है, इस पर भी चर्चा हुई है। प्रमुख सचिव आवास के साथ हाउसिंग बोर्ड के आयुक्त अजय चौहान, आवास विकास के विशेष सचिव डॉ नीरज शुक्ला व अयोध्या विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष विशाल सिंह भी उपस्थित रहे। माननीय मुख्यमंत्री जी की प्राथमिकताओं में है अयोध्या, वो खुद भी स्वयं आकर के विकास कार्यक्रम देखते हैं। उनके मार्गदर्शन में एक इंटरनेशनल कंसल्टेंट लगाया गया है ताकि एक विजन डॉक्यूमेंट, एक दृष्टिकोण प्रपत्र बन सके। विभिन्न विभाग अलग अलग कार्यक्रम यहां कर रहे हैं तो उनको समेकित करके एक समन्वय के साथ विकास किया जा सके। इनको ये भी कहा गया है कि प्री फिजिबिलिटी रिपोर्ट्स बनाएंगे कि कौन कौन सी परियोजनाएं यहाँ चल सकती हैं, वो चाहे टूरिज्म के दृष्टिकोण से हो, कल्चर के दृष्टिकोण से हो, आध्यात्मिक धार्मिक दृष्टिकोण से हो, उस पर ये कार्य कर रहे हैं और उस पर ये विभागों से कंसल्ट करते हैं, अयोध्या के नागरिकों से, गणमान्य जो है उनसे भी किया है, प्रेस से भी उन्होंने पूछा है कि यहाँ की आवश्यकता क्या है और किस तरह से विकास होना चाहिए। अब उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर के भी प्रोजेक्ट्स हैं, ट्रेनिंग के भी प्रोजेक्ट्स हैं, MSME इंडस्ट्रीज के भी प्रोजेक्ट्स हो सकते हैं, तो ये विभिन्न विभागों से बात करके और विभाग की जो प्राथमिकता होगी और उनके पास जो बजट अवेलेबल होगा उस पर प्रायोरिटाइज करके वो काम करेंगे।